कि मैं मेजर को 2 घंटा भी टाइम नहीं दे पाता हूँ। कमेंट ये है कि भाई अपने डॉग को दिन भर में कितना टाइम दे, बिकॉज बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ, दिन में सिर्फ 2 घंटे अच्छे से टाइम दे पाता हूँ, एक वीडियो बना दीजिए। तो मतलब इनका टॉपिक ये है कि अपने डॉग को कितना टाइम देना चाहिए। ठीक है, देखो भाई मैं ऐसे भी मेजर समय नहीं दे पाता हूँ भाई, रियलिटी। ठीक है, बहुत दिन। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग, हमारे चैनल अंकित यूपी शार्ट में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। अभी सुबह का टाइम है, टाइम हो रहा है 8:30 और मेजर को 1 घंटे पहले पापा ने नहला दिया। देखो इसे कैमरा ऑन होते ही भाई साहब तुरंत ये खड़ा होता है कि मेरा वीडियो बनेगा। इसको लेकर चलते हैं छत पे, क्योंकि अभी एक बरसात का मौसम है, आप लोग को अच्छे से पता है, फिर और धूल मिट्टी तो आपको पता है कि अंकित भाई के घर में। हाँ चल ठीक है, खोलत नहीं, अंकित भाई के घर में। और इस टाइम भी मेजर फिर से टिक्स बढ़ने लगे, चला ऊपर आ, देखो फिर ये उधर की, ए इसको बस सीधे आइए ऊपर तब बात करते हैं। ठीक है, छत पे आने के बाद सभी सबसे पहले बाहर का ही माहौल देखता है, दुनिया देखता है। अब इसके देखो पूंछ, पूंछ के बाल मैंने यहाँ के ट्रिम कर दिए हैं, तो कितना सादा सादा दिख रहा है। भींग गया है तो, भींग गया तो सारे बाल चिपक गए हैं आपस में, तो आप पूंछ वाले बाल देख सकते हैं भाई, जैसे लग रहा है कि वहां पे कुछ इन्फेक्शन वगैरह हुआ है, वैसे दिख रहा है। हे देखो अभी खेलने के मूड में, रुक 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 रुक, थाम बा, हे कलुआ भाई, देखो पूंछ के बाल देखो इसके, ये देख रहे हो, यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है, बट मैंने यहाँ के बाल सीधे ट्रिम कर दिए हैं, इसे यहाँ पे खाली खाली दिख रहा है, देख रहे हो, बट बाल आ जाएगा वहां पे, मैंने वहां के बाल काट दिए थे, इसके बाल घुंघरेले हो गए। ठीक है, तो सीधा टॉपिक पे आते हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। भाई का कमेंट है, कमेंट ये है कि भाई अपने डॉग को दिन भर में कितना टाइम दे, बिकॉज बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ, दिन में सिर्फ 2 घंटे अच्छे से टाइम दे पाता हूँ, एक वीडियो बना दीजिए। तो मतलब इनका टॉपिक ये है कि अपने डॉग को कितना टाइम देना चाहिए। तो हमको लगता है कि सेम कंडीशन है भाई का भी, मेरा भी सेम कंडीशन है, आप लोगों को अच्छे से पता, अभी तो वीडियो बनाना है, तो मैं सुबह सुबह आ गया, अभी मेरा खुद पोजीशन देख सकते हैं, अभी हमको तुरंत निकलना है सडनली। ठीक है, तो मैं खुद मेजर को टाइम नहीं दे पाता हूँ भाई, लेकिन एक टॉपिक के थ्रू बात करूंगा कि अपने डॉग को कितना टाइम देना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग भाई 6 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, सुबह शाम अगर आप अपने डॉग को टाइम दे रहे हो तो उतना परफेक्ट है, क्योंकि देखो भाई इसको समय देखो अभी कैसे खेल रहा है, अगर इसी को आप बांध के रखोगे तो इसकी खुशी को आप पता नहीं कर पाओगे कि मतलब ये क्या चीज में खुश है। बहुत लोग भाई लोगों को देखोगे ना तो अपने डॉग को पूरे दिन बांधे रहते हैं। ठीक है, अभी देखो सुबह का नहाया हुआ है, नहाने के बाद किसी का भी माइंड फ्रेश रहता है, तो देखो ये खुद अकेले खेल रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बस वहां पर खड़ा रहिए, आपका खुद डॉग खुद ब खुद खेलेगा। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर अपना वीडियो बना रहा हूँ, ना कि हम इसको टाइम दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन बस हम इसके साथ खड़े हैं, लेकिन खुद ये आपस में मतलब खुद अपने आप में खुश है। आप इसके ऊपर वीडियो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपस में खुश है, देख सकते हैं, मैं इसके ऊपर रिलेटेड टॉपिक बता रहा हूँ, लेकिन ये आपस में खुश है। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको अपने डॉग को ही टाइम देना है, जैसे मैं यही करता हूँ कि सुबह शाम में 2 टाइम में इसको थोड़ा थोड़ा टाइम देता हूँ, क्योंकि मेरे पास खुद ब खुद टाइम नहीं है। सुबह 9 बजे शॉप पे जाओ, फिर रात को 9 बजे आओ, तो उतना टाइम नहीं बच पाता है भाई, मैं मैनेज नहीं कर पाता हूँ। देखो तो मैं यहाँ से इजिली वॉक कर रहा हूँ, लेकिन मेजर अपने आप में खुश है, खेल रहा है। तो बस ऐसा टाइम आप अपने डॉग को खुद ब खुद दे दो भाई, इतना थोड़ा मतलब ये कहने का सेंस ये नहीं कि आप अपना मोबाइल चलाते रहो, अपने डॉग को छोड़ दो, आप 2 घंटा टाइम दे रहे हो, 2 घंटा बहुत है, लेकिन यही कहूंगा कि सुबह शाम 2 टाइम दो, एक ही टाइम पे मत दो। 1 घंटा भी आप अपने डॉग के साथ खेलोगे ना, देखो यह पूरा निपटा के मानेगा, 2 घंटा दोगे तब नहीं चलेगा, लेकिन आप अपने डॉग को 1-1 घंटा सुबह शाम के सुबह और शाम दोनों टाइम दो, तो वो उतना परफेक्ट रहेगा भाई। आप डॉग को टाइम दोगे, डॉग आपको टाइम देगा, तो थोड़ी एक फ्रेंडशिप बॉन्ड जो है जो अच्छी बनी रहती है, आपका डॉग आपके कंट्रोल में रहेगा। आप अपने डॉग को टाइम नहीं दे रहे हो, उसका कुछ नहीं सुन रहे हो, ठीक है ना, उसको खिला रहे हो, तो अगर आपका डॉग एग्रेसिव होता है तो उस टाइम वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। ऐसे तो फ्रेंडली टाइम कोई भी किसी का भी कंट्रोल में रहेगा, लेकिन जब एग्रेसिव होगा तब वो डॉग आपके कंट्रोल में नहीं होगा। तो आपको कुछ खास नहीं करना है भाई, बस सुबह और शाम के टाइम 1-1 घंटे टाइम दे देना। अभी आप 1-1 घंटे 2 घंटे दे रहे हो भाई, मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत है, अगर हकीकत बोले तो मैं 2 घंटा भी टाइम नहीं देता हूँ। देख लो, अब हम इसको छीनेंगे तो ये कैसे रिएक्ट करेगा, पकड़ लेगा सारा (laughs)
ये सिंपल टाइमिंग है भाई, बस ऐसे आप अपने डॉग के साथ खेलते रहो, वो खुद ब खुद आपके साथ खुश रहेगा। ये डॉग ये नहीं कहता कि आप मेरे साथ खेलो, तुम बस इसको टाइम दो, ये आपके साथ खेलेगा और खुद ब खुद खुश रहेगा। कुछ नहीं करना है, आप देख सकते हो मेजर बस ऐसा इजिली खेल रहा था। कहने का सेंस यही कि अगर हम यहीं पर अगर फोन अपना चलाते तो उतना खास फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप दो घंटे भी टाइम दे रहे हो भाई तो उतना बहुत है, आप अपने डॉग के साथ खेलना, ना कि उसको फोन चलाने लगना। अभी तो मैं मेजर को दो घंटा भी टाइम नहीं दे पाता हूँ भाई। ले ठीक है, मैं मेजर को दो घंटा भी टाइम नहीं दे पाता हूँ। मैं मेजर को दो घंटे भी टाइम नहीं दे पाता हूँ, लेकिन अगर आप दो घंटे भी टाइम दे रहे हो तो उतना बहुत है, लेकिन आप अपने डॉग को प्रॉपर टाइम दो। मेजर देखो, मेजर कितना खेल रहा है, कूद रहा है, उसको सुबह अगर सुबह के टाइम समय दे रहे हो तो मैं कहूंगा कि सुबह के टाइम अगर आपका जर्मन शेफर्ड है तो मैं तो यही कहूंगा कि उसको कंघी वगैरह कर दो सुबह के टाइम में। सुबह के टाइम अगर एक घंटा टाइम दे रहे हो तो भाई मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि अगर आपका डॉग डबल कोट है तो भाई कंघी करने में आपका कुछ नहीं तो 20-25 मिनट चला जाएगा। ठीक है, तो उससे ये फायदा रहेगा कि कंघी कर दोगे तो उसके स्किन इन्फेक्शन वगैरह के बारे में नॉलेज आप ले सकते हो। ठीक है, कि मतलब उसकी जानकारी पता चल जाए कि इसके स्किन इन्फेक्शन है या नहीं आप, क्योंकि आपने बोला कि मैं बस दो घंटे टाइम दे पाता हूँ तो उसमें आपको सब कुछ मैनेज करना है। तो सुबह के टाइम जब भी आप अपने डॉग को खिला रहे हो, जैसे मैं सुबह में मेजर को खिलाता हूँ तो मैं इसको ऐसे खिलाता हूँ। ठीक है, चला मेजर, ओए देख रहे हो लकड़िया लेइए के चढ़ियन है कलुआ है, लकड़िया रख दे तोरे क्यों ना चला है। ओए मैं सुबह के टाइम में जब भी इसको खिलाता हूँ ना भाई तो मैं इसको ऐसे चेक करता रहता हूँ। तो मेरा सुबह में खिलाने का रूल ऐसे, देखो अभी टिक्स लग रहे हैं तो दवा इसके में लगे हुए हैं, देखो टिक्स निकल रहे हैं। ठीक है, ये देखो तो ये नॉर्मल है भाई, देखो अभी टिक्स है यहाँ पे भी, ये इधर ही बीच के, फिर एक थोड़ा हार्ड दवा लगाना पड़ेगा, अभी थोड़ा दवा उतना हार्ड नहीं लगा, सारे के सारे मर जाएंगे। तो कहने का सेंस ये है कि भाई सुबह के टाइम आप अपने डॉग को ऐसे खिलाओगे तो मैं कहूंगा कि आप सुबह के टाइम अपने डॉग को कंघी वगैरह कर दो, उससे ये फायदा होगा कि उसके शरीर में टिक्स लगे हैं कि नहीं लगे हैं, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, ये आपको पता चल जाएगा सुबह। क्योंकि डबल कोट रखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है गर्मी के दिनों में, आप लोग खुद मेजर पे देख सकते हो। तो सुबह के टाइम खेलोगे टिक्स पता चल जाएगा, इसके बाल वाल सही हो जाएंगे, इसके नेल वगैरह हर चीज, मतलब आपका डॉग परफेक्ट है कि नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम हुआ है कि नहीं है, ये आप जज कर लोगे। और बाकी शाम के टाइम आप अपने डॉग के साथ खेलो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे खेलना है उसको उठाओ पटको जो करना है। शाम के टाइम, सुबह के टाइम ने तो आपने अपने डॉग का चेकअप कर लिया कि आपका डॉग सही है कि नहीं है। शाम के टाइम आप अपने डॉग के साथ खेलिए, जैसे खेलना है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो अभी मैं ऐसे भी मेजर को समय नहीं दे पाता हूँ भाई, रियलिटी। ठीक है, बहुत दिनों बाद मैं इतना टाइम दे रहा हूँ, लेकिन इतना इसको रखता हूँ कि ये खुद ब खुद खेलता रहता है, इतना समय देता हूँ मैं इसके साथ। जब भी खेलता हूँ तो अपना फोन साइड में रखता हूँ, फोन चलाते वक्त इसको टाइम नहीं दे पाता, मतलब टाइम देता ही नहीं। ले मैं खेलते वक्त इसको कभी भी फोन यूज नहीं करता हूँ, तो आप लोगों से भी यही कहूंगा भाई, दो टाइमिंग मैंने बता दिया, वीडियो ज्यादा नहीं खींचेंगे। सुबह के शाम, सुबह अगर टाइम दे रहे हो तो आपने अपने डॉग का चेकअप कर लोगे, कोई इन्फेक्शन नहीं है, टिक्स वगैरह लगे हैं कि नहीं है, बाल फंसे हैं तो बाल सही कर लोगे, तो ये सब अरे कलुआ ये सब चीजें आप चेक कर लोगे। और शाम के टाइम आपको अपने डॉग के साथ जितना फालतू काम करना है, मारना है पीटना है, जैसे भी मतलब जितना एंजॉय करना है वो जैसे एंजॉय करना चाहे। ठीक है, जैसे शाम के टाइम देखो चला है ना,
सुबह के टाइम खेलता है भाई, सुबह के टाइम अगर कोई भी आप भी अपने डॉग को देखोगे ना तो आपके पास नहीं खेलेगा लेकिन आपके आसपास के माहौल में सबसे ज्यादा खेलेगा सुबह के टाइम। कोई भी ब्रीड हो, कोई भी ब्रीड डज नॉट मैटर कौन सा ब्रीड है, कोई भी ब्रीड सुबह के टाइम देखोगे खेलना ज्यादा पसंद करते हैं, खेलेगा कूदेगा भागेगा। लेकिन अगर शाम के टाइम आओगे ना, शाम के टाइम आप अपने डॉग को टाइम देना, वो आपके पास रहेगा, ठीक है, वो आपसे मतलब रहेगा, आपके साथ खेलना चाहेगा। तो सुबह के टाइम में आप अपना चेकअप वगैरह कर दो, उसको खेल दो, ऐसे खेल रहा है कूद रहा है, लेकिन शाम के टाइम आप उसको समय दो, ठीक है। बाकी इतना टाइम बहुत ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी घर वाले हैं ही है उसको टाइम देने के लिए, कोई प्रॉब्लम हुआ कि नहीं हुआ है खाना देने के लेने के। जैसे मेरे घर पर सीन है, मेजर को टाइमली खाना मिल जाता है, मम्मी इसको बिल्कुल टाइमली खाना देती है, लेट नहीं होता है, बिल्कुल टाइम से टाइम। अगर दिन में पूरे दिन में कोई बात हुआ तो घर पे पापा है ही, देख लेते हैं क्या हुआ है क्या नहीं, कोई आया है तो भोंकता है, एग्रेसिव होता है, सिक्कर तोड़ाता है, तो ये सब के लिए पापा है, पापा से भी बहुत फ्रेंडली। अगर मेरे बात किसी पे ज्यादा ट्रस्ट करता है तो वो पापा पे, ठीक है। तो और बाकी मेरे साथ सबसे ज्यादा लॉयल भाई, तो मैं सुबह शाम में ही टाइम दे पाता हूँ, मैं भी उसके अलावा मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी। और मेजर तो भाई काफी ज्यादा दुबला पतला हो गया है, आप लोग तो खुद ब खुद कमेंट करके बता देना कि मेजर दुबला पतला है कि नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी।